आप जानते हैं माइकल हार्ट जिसने जिसने दुनिया के 100 फेमस पर्सनालिटीज की लिस्ट बनाई थी, वो ईसाई है, क्रिश्चियन है, लेकिन उसने टॉप पर रखा था तो मेरे आका अली सलाम और तस्दीक के नाम को रखा। उससे पूछा गया तू तो ईसाई है, तेरे मोहब्बत का तकाजा क्यों होना चाहिए था कि तू ईसा अली सलाम के नाम को रसूल को रखता। उसने कहा मेरी मोहब्बत ईसा अली सलाम से ऐसी है, लेकिन मैंने इंसाफ से काम लिया, मैंने हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक वाक्य पढ़ा, उसके बाद मैंने सोचा इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता, इससे बेहतर इंसानियत नहीं हो सकती। वो क्या कहा, एक जगह पे बच्चे खेल रहे थे और एक शख्स ने जाकर अपने बच्चे को वहां जाकर जोर जोर से पुकारना शुरू किया। सरकार अली सलाम को तस्लीम की वहां पर खड़े तस्लीम को कहा, सरकार ने उसको बुलाया कहा मेरे भाई इस तरह जोर से अपने बच्चे को पुकारा, उसने तो हुजूर मेरा बेटा है मैं अपने बच्चे को पुकार रहा हूँ, उसमें कोई हरज नहीं, क्या बात है। मेरे आका ने फरमाया कि तुम्हारा बेटा तो है पुकार रहा हूँ, उसमें कोई हरज नहीं, लेकिन उसके साथ में एक यतीम बच्चा भी खेल रहा है, जब तुम अपने बेटे को पुकारोगे ना तो उस यतीम को अपने बाप की याद आएगी, उसका दिल टूट जाएगा, अगर मेरा बाप होता तो आज मुझे भी पुकार कर ले जाता। इसलिए किसी यतीम बच्चे का दिल टूटे ये मोहम्मद गवारा नहीं कर सकता, इसलिए उसकी दिल की बात का एहसास करके तुमसे मैं कहता हूँ कि तुम अपने बच्चे को भी जोर से देखा। उसने कहा कि मैंने जब ये वाकया पढ़ा मैंने कहा इससे बड़ा और इंसानियत का बड़ा कोई नहीं हो सकता, तो यतीमों के टूटे हुए दिल की इतनी खबर रखता हो और उसका इतना एहसास रखता हो उससे बेहतर इंसान कौन हो सकता। तो उसने ईसाई होने के बावजूद भी भूल